महिलाओं के पास पहनने के वस्त्र नहीं थे, इसलिए दलित महिलाएं नहीं आई। गांधी ने ताव देखा ना आव देखा, कमीज उतारा और इस तरह से उड़ेल दिया और कहने लगे अगर दलित महिलाओं के पास पहनने को वस्त्र नहीं है तो आज से ये गांधी के कपड़े नहीं पहनेगा, कमीज नहीं पहनेगा। साथियों उस सम्मेलन में बाबा साहब अंबेडकर भी बैठे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बैठे थे, सरदार पटेल भी बैठे थे। साथियों जब गांधी ने कहा कि मैं अपनी दलित महिलाओं के लिए अपना कमीज तक उतार देता हूं और हरिजनों का इन दलितों का नेता मैं हूं, मैं गांधी ने कहा दलितों का नेता मैं हूं, ये अंबेडकर क्या दलितों की नेतागिरी करेगा, ये तो सूट बूट और टाई में तनातन रहता है, बाबा साहब का मजाक उड़ा है। साथियों बाबा साहब मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए कहने लगे अरे ओ गांधी मैं तुम्हारी चाल को अच्छी तरह समझता हूँ, मेरी बात पे गौर करना, तुम उस शेर की संतान हो, तुम उस शेर के वंशज हो जिसको दुनिया के लोगों ने और भारत के लोगों ने बापू गांधी कहा। क्या कहा जोर से बोलिए, क्या कहा? लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भी बापू नहीं कहा, क्या कहा? मिस्टर गांधी। क्या कहा? मिस्टर गांधी। तो एक बार बाबा साहब के लिए जोरदार ताली बजाने का काम करें। साथियों बाबा साहब ने मुस्कुरा करके कहा कि ए गांधी।